परेड निरीक्षण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय एवं जिला पदाधिकारी महोदय संयुक्त रूप से आज हम 74वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए आगे बढ़ते हुए आज इस मैदान में 7 प्लाटूनों के द्वारा अपने सहयोगियों के साथ परेड का प्रदर्शन किया गया। बारी बारी से परेड की सलामी लेते हुए सलामी देकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए भारत स्काउट गाइड के बच्चे एवं बच्चियां सलामी देते हुए और सम्मान की बात है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार का प्रयास न्याय के साथ विकास कर रहा है तथा उस सिद्धांत का अमल किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं बिहार सरकार एवं जिले की उपलब्धियों के साथ साथ जन कल्याण के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 1 के अंतर्गत अरवल जिले में 45,851 परिवारों को शौचालय निर्माण के विरुद्ध देय प्रोत्साहन राशि से लाभान्वित किया गया है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु अरवल जिले के सभी पंचायतों में स्वच्छता मद से देय राशि ग्राम पंचायतों के खाता में हस्तांतरित कर दी गई है एवं 2,842 लाभुकों को शौचालय निर्माण के विरुद्ध देय प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है। अरवल जिले के 30 महादलित टोलों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण कर समुदाय को उपयोग हेतु हस्तांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021 तक 9,858 लाभुकों के आवास को पूर्ण किया गया है और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने की पात्रता नहीं रखने वाले लाभुकों को मुख्यमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत 205 लाभुकों को चिन्हित करते हुए 147 आवासों को पूर्ण किया गया है। अरवल जिले में कुल जॉब कार्डधारी परिवारों की संख्या 65,904 है, जिनमें से दिसंबर 2022 तक 27,96,446 मानव दिवस का सृजन किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मनरेगा योजना अंतर्गत 28
सरोवर चिन्हित किया गया है, जिसमें से 12 योजनाओं पर कार्य प्रारंभ किया गया है तथा 4 योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। लघु जल संसाधन विभाग द्वारा जिले में अवस्थित 13 जो तालाब पोखर के जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण कराया गया है। ग्रामीण विकास विभाग नवजात बच्चों की देखभाल हेतु सदर हॉस्पिटल अरवल में SNCU की स्थापना की गई है, जहां जन्म से 1 माह तक के गंभीर रूप से बीमार बच्चों का इलाज मुफ्त में किया जाता है। जिले के लिए गौरव की बात है कि गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु सदर हॉस्पिटल अरवल को मिशन 60 के तहत राज्य स्तर पर रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट का अवार्ड प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत इस वर्ष कुल 4,278 लाभुकों को ₹5,000 प्रति लाभुक की दर से अनुदान राशि उनके खाते में हस्तांतरित की जा चुकी है। जीविका बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। अरवल जिले में कुल 7,647 समूह, 560 ग्राम संगठन एवं 14 क्लस्टर लेवल फेडरेशन का गठन करते हुए उसे बैंकों के साथ जोड़ा जा चुका है। अभी तक कुल 90,115 ग्रामीण गरीब महिलाओं को जीविका समूह से जोड़ा जा चुका है।